नववर्ष से पूर्व लोगों के बीच छिनतई एवं चोरी की गई 39 मोबाइल के मूल धारकों को लौटा दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने बताया कि पूर्णिया पुलिस द्वारा 39 मोबाइल अपराधियों द्वारा छीनी या चोरी किया गया था को टेक्निकल सेल के द्वारा बरामद कर लोगों को लौटाया गया है। आगे भी जांच के साथ छापेमारी चल रही है, अन्य लोगों को भी मोबाइल लौटाया जाएगा। वहीं लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए पूर्णिया पुलिस को धन्यवाद दिया है। वहीं जिनको मोबाइल अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को भी उम्मीद जगी है। नए साल के तोहफे में कितने लोगों को मोबाइल दिया गया है? सबसे पहले तो नए साल की सभी मीडिया बंधुओं को हार्दिक बधाई और सभी पूर्णिया वासियों का आपके माध्यम से नए साल में हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल बरामद कर जो उसके धारक हैं उनको देने का काम किया। अब तक हम लोगों ने इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत 281 चोरी गई मोबाइल को उनके धारकों को बरामद करके लौटाया। इसके अलावा 2023 अब ख़त्म पर है, आज 30 तारीख है। तो अगर बात किया जाए, अगर देखा जाए कि किस तरह का क्राइम कश्मीर गया तो मेरे कॉलेज में खो गया था, मेरा कॉलेज में गिर गया था, उसके कारण आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना वापस आया। पूर्णिया पुलिस 3 अक्टूबर को खोया था। पूर्णिया पुलिस को क्या कहेंगे? पूर्णिया पुलिस में बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, फोन वापस मिल गया। कितने का फोन था? मेरा फोन 15,000 का था। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा राज। चेहरे मुस्कान से एक मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया, इसके लिए पूर्णिया प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। कब खोया था फोन आपका? 30 तारीख। 30 तारीख कब? मैंने नवंबर में। एक महीने के अंदर मिल गया मोबाइल। हाँ, एक महीने के अंदर। कितने का फोन था? 20,000। कहाँ से खोया था? सिपाही टोला से। क्या नाम? सोनू सिंह।